सब्सक्राइब कीजिए सम्मी ट्यूटोरियल को और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल समी ट्यूटोरियल एंड आई एम एस सम्मी। दोस्तों, आज ये वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जितने भी सारे स्टूडेंट जिनका अभी 12th फाइनल हुआ है और जो प्लानिंग किए हुए हैं कि मुझे बीटेक करना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो फाइनली इस वीडियो में मैं आज इस सब टॉपिक में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरह आपको कॉलेज को सिलेक्ट करना है, कैसे आपको यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीज़ को देखना है। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें और पूरा वीडियो देखें आप। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं समी ट्यूटोरियल और मैं इस अपने चैनल पर इसी तरह के वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आप देख रहे हैं समी ट्यूटोरियल एंड मैं एस समी। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि बीटेक है क्या। देखिए, बीटेक एक टेक्निकल डिग्री है जिसे यूनिवर्सिटी और AICT दोनों मिलकर प्रोवाइड करता है। ये 4 साल का डिग्री है और इसमें बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। देखिए, बीटेक जो है बहुत सारे कोर्सेज कराता है। इंजीनियरिंग के लिए हम जब मुझे बीटेक करना होता है और बीटेक में कई ब्रांच होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्रांच है बीटेक में, जैसे सिविल, मैकेनिकल, ट्रिपल ई, ECE, IT, इस तरह के बहुत सारे ब्रांचेज हैं। अभी जो ट्रेंडिंग में जो ब्रांच है, ब्रांच चल रही है, उसमें है सिविल, है मैकेनिकल, ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड ECE हो गया, और आपको बता दें IT हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो ट्रेंडिंग में है। तो आप अपने पैशन के अकॉर्डिंग टू इस चीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि आपको एडमिशन कैसे लेना है। देखिए, एडमिशन को लेके जिस तरह का फ्रॉड काम अभी चल रहा है, जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो एजेंट्स के थ्रू आप यानी आप तक पहुँचते हैं और आपको अट्रैक्टिव करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि आइए मेरे कॉलेज में आइए आप। तो फाइनली आपको मैं बता दूं कि कोई भी आपको मतलब इस तरह का मोटिवेट करता है, एजेंट्स है, आपको बोलता है कि इस कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिए, मैं इतना में करा दूंगा फीस को लेके। या फिर देखिए, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक करने से पहले आप दो बातों का एनालिसिस कीजिए, आप दो बात को पहले जानिए। फर्स्ट ये है कि हम जो बीटेक कर रहे हैं, हम जो बीटेक में एडमिशन लेंगे वो क्यों ले रहे हैं, हम बीटेक क्यों कर रहे हैं, ये हमारा पैशन है या हम किसी का देख के ले रहे हैं या फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं उसके प्रेशर में आके हम ले रहे हैं। आपको बता दें, फर्स्ट चीज़ आपको ये एनालिसिस करना है कि हम जो बीटेक कर रहे हैं वो हमारा पैशन है कि नहीं है, हमारा उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में, ये तीन जो सब्जेक्ट है आपको इसमें इंटरेस्ट है, बुक्स पढ़ने में मज़ा आता है, बुक्स के साथ आपका फ्रेंडशिप है, आप ज़्यादा स्टडी करते हैं, तो आपका पैशन भी होगा और पैशन भी है कि हाँ कुछ हम नए नए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं इस लाइन में। तो आप बिल्कुल भी आप बीटेक लें, आप इंजीनियरिंग करें। अगर आप किसी का देख के जा रहे हैं, अगर आप किसी का देख के जा रहे हैं या फिर पेरेंट्स के प्रेशर में आके जा रहे हैं आप, या आपको इंटरेस्ट नहीं है मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और फिर भी आप चाह रहे हैं कि नहीं हम आप बीटेक करें, इंजीनियरिंग करें, तो मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल भी नहीं जाइए, आपका टाइम, पैसा, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह अभी बीटेक को लेके, इंजीनियरिंग को लेके जिस तरह का अभी बिफोर 5 ईयर्स से जो एक मार्केट जो है इसका जिस तरह डाउन हो रहा है, वो यही कारण है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पेरेंट्स के प्रेशर में आके या फिर गांव के या फिर ऐसे ही उनको इंटरेस्ट भी नहीं है, फिर भी वो जाके एडमिशन ले लेते हैं। और इन्हीं ऐसे ऐसे स्टूडेंट के चलते ही आज जो बीटेक का, आज जो इंजीनियरिंग का जो क्रेज जो गिरा है, वो यही कारण है, वो मेनली ये कारण है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस बात का एनालिसिस करना है कि हम जो बीटेक कर रहे हैं, हम जो एडमिशन लेने जा रहे हैं, उसमें हमारा पैशन है या नहीं है, हमको इंटरेस्ट है या नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप जब एडमिशन ले रहे हैं तो उस कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, वहाँ के इन्वायरमेंटल के बारे में आप जानिए कि वहाँ का जो स्टडी है, वहाँ की जो फैकल्टी है, मैनेजिंग है, जो लैब्स है, वो सब कैसा है, किस तरह कॉलेज जो स्टडी कराता है, कॉलेज सिर्फ एडमिशन लेता है या फिर फॉर्मेलिटी के लिए वो फैकल्टी रखा हुआ है और 4 साल जो आपको जो पढ़ना है, जो स्टडी करना है, वो सेल्फ ही करना पड़ेगा ऐसा। तो आप ये सब चीज़ पर पहले आप ये कीजिए। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ आपको बताया एडमिशन से पहले कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप में सेल्फ आप इस चीज़ को एनालिसिस कीजिए कि मेरा पैशन है या नहीं है। अगर पैशन है तो आप बिल्कुल भी जाइए इस लाइन में, आप बहुत ही अच्छा कुछ कर सकते हैं।
दूसरा बात यह है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, उसके बारे में उसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि वो किस तरह स्टडी कराता है, कॉलेज अभी ट्रेंडिंग में है या नहीं है, कुछ अच्छा वो मतलब वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो पढ़ाने का जो फैकल्टी जो है वो कैसा है, वो किस तरह का है, इस चीज़ के बारे में जानिए। क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो बंद हो रहे हैं, जिसे AICT बंद कर रहा है, गवर्नमेंट बंद कर रही है, या उस कॉलेज में स्टूडेंट नहीं पहुँच रहे हैं और कॉलेज वाले खुद अपने कॉलेज को बंद कर रहे हैं, जो एजुकेशन जो है वो उस तरह का वो नहीं करते हैं प्रोवाइड। तो आप इस चीज पे बहुत ही ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये एक बड़ा कोर्स है, 4 साल का कोर्स होता है, इसमें काफी ज्यादा पैसे भी लगते हैं और टाइम भी लगते हैं। अगर आप 4 साल आप कोर्स करते हैं और आपका पैसा भी लगता है, आपको इंटरेस्ट भी है, फिर भी वो कॉलेज आपको उस तरह स्टडी नहीं करा रहा है, उस तरह लैब नहीं करा रहा है, तो फिर समझिए कि आपका 4 साल भी वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा। आइए बात करते हैं ब्रांच को लेके। देखिए, ट्रेंडिंग में जो ब्रांच है, ट्रेंडिंग में जो ब्रांच चल रही है वो सिविल है, मैकेनिकल है, ट्रिपल ई है और कंप्यूटर साइंस है, IT है। तो ये सब जो ब्रांच है वो ट्रेंडिंग में चलती रहती है। तो आप अकॉर्डिंग टू आप अपने पैशन के अकॉर्डिंग टू आप ब्रांच को चूज कर सकते हैं, आपको किस फील्ड में काम करने में अच्छा लगता है। क्योंकि 4 साल बाद आपको वर्क करना है, आपको उस फील्ड में जाना है, फील्ड वर्क करना है आपको चार साल बाद। तो आप अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू पैशन, अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंटरेस्ट आप इस चीज़ को आप चूज कीजिए कि हमको कौन सा ब्रांच में जाना है। और जितने भी सारे ब्रांच है, सब ब्रांच में आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप अच्छा उसमें कर सकते हैं। देखिए, ये मेरा जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इसका मेनली मकसद ये है कि एडमिशन को लेके जिस तरह का फ्रॉड काम अभी चल रहा है, एजेंट्स के थ्रू या फिर कॉलेज के एडवर्टाइज के थ्रू, ये जो एक फ्रॉड काम फीस को लेके या फिर वहाँ के एजुकेशन को लेके जो चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है। और मैक्सिमम स्टूडेंट, मैं बता दूँ कि आपको 80% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एजेंट्स के थ्रू या फिर किसी भी सीनियर दोस्त या फिर जो कॉलेज के एडमिट्स होते हैं उसके थ्रू वो जाते हैं। इंडिया में पर एनम 15 लाख स्टूडेंट जो होते हैं वो इंजीनियरिंग करते हैं और ओनली 3 लाख को जॉब मिलता है। मतलब 12 लाख जो स्टूडेंट होते हैं वो जॉब्स के एलिजिबल नहीं होते हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाता है। तो ये सब चीज़ है, आप इस चीज़ को भी जानिए। और एक चीज़ मैं बात यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा कि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के थ्रू आप जाते हैं, कंपिटेटिव एग्ज़ाम के थ्रू आप जाते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या और भी जो प्राइवेट कॉलेज है वो भी प्रोवाइड करती है इस तरह के कंपिटेटिव एग्ज़ाम, जो बड़े बड़े कॉलेज हैं। तो बिल्कुल आप इस एग्ज़ाम को फेस कीजिए। अगर आप इस एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं तो आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे, अच्छे यूनिवर्सिटी मिलेंगे और आपका प्लेसमेंट भी अच्छा होगा, जो आपकी जॉब्स मिलेंगे उसमें सैलरी भी आपकी अच्छी होगी। तो आप पे क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं वो घबरा जाते हैं अंदर से कि नहीं, मेरा 12th फाइनल हो गया है, अगर हम प्रिपरेशन करते हैं कंपटीशन के तो मेरा 1-2 साल इसमें वेस्ट हो जाएगा, मतलब चल जाएगा और पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। देखिए, जल्दीबाजी जो है, जल्दी जो है वो सबको होता है, सबको लगता है कि हाँ मेरा जो कोर्स है, जो मेरा पढ़ाई है वो जल्दी ख़त्म हो जाए और जल्दी मुझे कुछ जॉब मिल जाए, सक्सेस मिल जाए और कुछ हम अच्छा मतलब अर्निंग करें। कंपटीशन का जो एग्ज़ाम है और जो कंपटेटिव एग्ज़ाम है उसे फेस करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की हो, जो या फिर जो प्राइवेट कॉलेज जो प्रोवाइड करता है उस चीज़ को हो, उस चीज़ को फेस करें। अगर वहाँ से हम जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। और जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जिनका अगले ईयर्स मतलब 19th में उनका 12th जो फाइनल होगा, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो भी अगर प्लानिंग किए हुए हैं कि मुझे B.tech करना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो वो अभी से ही 12th के साथ साथ वो इस चीज़ का भी प्रिपरेशन कर दें कि उन्हें JEE मेंस का एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो होता है एग्ज़ाम, JEE मेंस हुआ या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है एग्ज़ाम या फिर और भी जो प्राइवेट कॉलेज जो होता है वो कंपटीटिव एग्ज़ाम लेती है, उस चीज़ का वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर वो कंपटीटिव एग्ज़ाम के थ्रू उनका काउंसलिंग होता है तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि अभी के टाइम में कुछ ही कॉलेज ऐसे हैं जो अच्छा प्लेसमेंट, जो अच्छा सैलरी और जो अच्छा एजुकेशन दे पाते हैं और दे रहे हैं। 50% जो कॉलेज है वो सिर्फ एक बिजनेस के थ्रू, एक पैसा के लिए वो अपना कॉलेज को चला। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन जो दिख रहा है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं इस पर जो लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ एजुकेशन से संबंधित या और भी कई तरह के जो इशू हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊँ, वो वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।